अब देखिए साधारण ब्याज का पार्ट 9 है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताएंगे क्वेश्चन, जो इसको आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। इसमें थोड़ा आपको क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बता चुके हैं। इसलिए आप लोग, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, जाइए पार्ट 1 से देखिए क्वेश्चन। अगर एक टाइप से क्वेश्चन अगर पूरे ऐसा बता चुके हैं कि अगर एक बार क्वेश्चन अगर बना लिए तो आपको ऐसा लाभ, साधारण ब्याज पर एक भी ऐसा क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। हर क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन को। इसलिए टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को बता चुके हैं। देखिए क्वेश्चन में, किसी धन पर 12 वर्षों में 920 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि उसी धन को 600 वर्षों के दुगुना कर दिया जाए तो कितना साधारण ब्याज होगा? 6 वर्षों के बाद, बाद इसमें छूटा हुआ है, बाद छूटा हुआ, 6 वर्षों के बाद दोगुना कर दिया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन क्या करना है, वर्ष कितना है, 12 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन में, 12 वर्ष में, 12 वर्ष में कितना हो जाता है, 920 रुपया, 920 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में 920 रुपया हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, 12 वर्ष में 920 रुपया हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में तुम कहा 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 गया क्वेश्चन में होता, यदि उसी धन को 600 वर्षों के बाद दोगुना कर दिया जाए तो कितना साधारण ब्याज, कितना धन है, कितना धन हमको पता नहीं है। अब देखिए कौन, 6 वर्षों के बाद। अब देखिए इसमें अगर, इसमें अगर 6 वर्ष, 6 वर्ष, 6 वर्ष, क्योंकि 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद, अब इसमें 6 वर्ष तो ले लिए, 6 वर्ष बाद कहा गया, तो 6 वर्ष, 6 वर्ष, अब बचा कितना, 6 वर्ष। अब 12 वर्ष है टोटल, कितना 12 वर्ष, 6 वर्ष अगर ले लिए कितना बचा, बचा कितना, 6 वर्ष, 6 वर्ष, 6 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया दोगुना, दोगुना 6 वर्षों के बाद दोगुना कर दिया जाए। अब देखिए क्वेश्चन में दोगुना हम करेंगे क्या, टाइम को ही दोगुना कर देंगे, टाइम को दोगुना कर देंगे। अब देखिए टाइम को दोगुना करने के, 2 से गुना करिए, 2 से गुना, टाइम को ही, समय को ही दोगुना कर दिए, समय को दोगुना कर दिए। अब जो 12 वर्ष में कहा गया कौन, 6 वर्षों के बाद दोगुना, तो 6 वर्ष अगर लिए, 6 बचा कितना, 6 वर्ष बचा, 6 वर्ष उस पर टाइम से गुना कर दिए, समय से गुना के, 2 से गुना कर दिए। अब देखिए 6 वर्ष, 6 वर्ष पल्ला, 6 दुना 12 वर्ष, अब दोनों जोड़िए कितना, 18 वर्ष, 18 वर्ष निकल गया। अब ये 18 वर्ष निकला, अब हमको 18 वर्ष निकल गया। अब देखिए 12 वर्ष बराबर 920, तो 1 वर्ष बराबर, 1 वर्ष बराबर 920 बटा 12, कितना वर्ष का निकालना है, 18 वर्ष का, 18 से गुना कर देंगे, 18 से गुना। अब देखिए क्वेश्चन, 2 छक 18, 3 छक 2 छक 12, 3 छक 18, 2 छक 12, 3 छक 18। अब उसके बाद 4 दुना 8, बच गया 1, बच गया 1, तो 6 दुना 12, बच गया 0, तो 460, 460 को 3 से गुना करिए, 460 को 3 से, 3 को 0 से करिएगा 0, 3 को 6 से 12, बाकी 1, 3 चौक 12 13, 1320 रुपया आंसर निकल कर चला, कितना, 1320 रुपया इसका आंसर निकल कर चलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना, जैसे कि देखिए 12 वर्ष है, 12 वर्ष में 920 रुपया, 920 रुपया, उसको 6 वर्ष, 6 वर्ष के बाद दोगुना हो जाता है, 6 वर्ष के बाद दोगुना होता है, तो 6 वर्ष बचा कितना, 6 वर्ष, तो दोगुना हुआ, समय को, टाइम को दोगुना करिए, टाइम से दोगुना, तो दोगुना के टाइम के उसके बाद होगा कितना, 18 वर्ष, 18 वर्ष हो गया। तो 12 वर्ष वाला 920, 1 वर्ष वाला 920 बटा 12, 18 वर्ष से गुना किए, आंसर निकल कर चलाया। क्वेश्चन देखिए, किसी धन पर, किसी धन पर 4 वर्षों में 620 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो बताइए कि अगर 3 वर्षों के बाद धन को आधा कर दिया जाए तो साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखिए 4 वर्ष में,
चार वर्ष में कितना हो जाता है, 620 रुपया, 620 रुपया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया बताइए कि अगर 3 वर्षों के बाद धन को आधा कर दिया, 3 वर्षों के बाद, अब इसमें तीन वर्षों के बाद आधा कर दिया जाता। अब देखिए चार में 3 वर्ष अगर ले लिया, बचा कितना, एक वर्ष। उसके बाद कहा गया धन का आधा हो जाता है, आधा धन हमको पता नहीं है, आधा हो जाता है। अब आधा एक बटा आधा, तो आधा इसमें कहा गया क्योंकि टाइम है, क्योंकि टाइम का क्वेश्चन, 3 वर्षों के बाद धन को आधा कर दिया जाता, आधा हम आधा कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन में कितना होगा, तीन उसके बाद प्लस एक को एक से गुणा करिए, एक बटा दो होगा क्या, तीन, अब एलसीएम लीजिए दो, यहाँ हो जाएगा दो, कितना तो छः प्लस एक तो हो जाएगा सात बटा दो। अब देखिए क्वेश्चन में 4 वर्ष = 620, तो एक वर्ष बराबर 620/4 कितना निकला, सात बटा दो से गुणा करिए। अब देखिए क्वेश्चन काटिए, 4 × 4 बचा कितना, 2, तो 2 बच गया 22, 4 × 5 = 20 बचा कितना, 2 = 20, 4 × 5 = 20, 155। अब जो 155 गुने 7/2, तो 7 × 5 = 35 बचा 3, 35, अब 35 × 3 = 38 बचा कितना, 3, 7 × 3 = 10, 1085/2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 × 5 = 10 बचा कितना, 8, 2 × 8 बचा कितना, 5, 2 × 4 उसे बचा कितना, 1, तो दशमलव, 0 उतरेगा 10, 2 × 5 = 10, तो आंसर निकल कर आपको कितना, 544.5 आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है, जैसे कि 4 वर्ष = 620 रुपया, तो 4 वर्ष में 3 वर्ष तो दिया है, 3 वर्ष के बाद आधा हो जाता है, 3 वर्ष के बाद आधा, तो 3 वर्ष बचा कितना, एक, एक में ये आधा हुआ, 1/2 से गुणा किए, 7/2 आया, उसका 1 वर्ष = 620/4 उसके बाद 7/2 से गुणा किए, आंसर निकल कर चलाया। अब आगे देखिए क्वेश्चन में, दो नंबर क्वेश्चन का 542.5 आंसर निकल कर चला, कितना देखिए, किसी धन पर 6 वर्षों में 920 रुपया साधारण ब्याज है, तो जबकि 3 वर्षों के बाद धन को दुगुनी कर दी जाती है, यदि दुगुनी नहीं की जाती तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है। ये देखिए सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि 6 वर्षों में कितना हो जाता है, 920 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में 3 वर्षों के बाद धन दुगुना, 3 वर्षों के बाद, तो 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद दोगुना। अब देखिए दोगुना 3 वर्ष, अगर 6 वर्ष में 3 वर्ष ले लिया बचा कितना, 3 वर्ष, 3 वर्ष दोगुना हो जाता, 2 से गुना, टाइम से गुना करिए, दोगुना धन का दोगुना, लेकिन हमको समय से दोगुना करना, समय से दोगुना कर दिया, उसके बाद 3 वर्ष, 3 और 6 6 वर्ष, 3 वर्ष 9 वर्ष, 9 वर्ष। अब जो 6 वर्ष = 920, लेकिन आपको 9 वर्ष = 920 रुपया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया यदि दोगुनी नहीं की जाती तो साधारण ब्याज कितना होता, दोगुनी नहीं की जाती। अब देखिए 9 वर्ष = 920 रुपया, तो 1 वर्ष = 920/9। अब देखिए 920/9, उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया यदि दोगुनी नहीं की जाती साधारण ब्याज कितना, नहीं की जाती कितना, नहीं किया गया 6 वर्ष, 6 वर्ष से गुना कीजिए, लेकिन इसमें जो है अलग है, क्या नहीं किया, किसको नहीं किया, 6 वर्ष को, इसको अलग, इसको कहा गया यदि दोगुनी नहीं की जाती, दोगुनी अगर नहीं की जाती तो 6 वर्ष नहीं अगर किया जाता 6 वर्ष से गुना कीजिए। अब देखिए 3 × 9 = 6, उसके बाद 3 × 9 उसके बच गया कितना, बच गए हाँ 20, तो 6 × 18। अब देखिए
इसको छोड़िए, काटिए ना इसको, 3 * 9 920। अब जो है 9920 को इससे गुना करिए, इससे गुना, देखिए कौन, 2 को 0 से 0, 2 को 4, 2 से 4, 2 को 8 से 18, 1840/3, तो 18 में 3 से 12 = 18, बचा कितना 4, 4 में 3 से 1, बच गया कितना 1, तो 3 * 9 बचा कितना 1, दशमलव, दशमलव, तो 1 0 उतरेगा 10, 10 हो जाएगा, तो 10 फिर 3 * 9, फिर आंसर निकल कर चलाएगा, क्योंकि दशमलव का 2 अंक, दशमलव का 1 अंक भी दे सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार कितना अंक दशमलव के बाद है, तो 613.33 आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन, वह धनराशि जिस पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन ब्याज प्राप्त होता है एक वर्ष, जैसे कि वर्ष में अगर आपको वर्ष अगर अगर 4 से भाग लग जाए तो वह लिप ईयर, उसको अगर 4 से भाग अगर नहीं लगेगा वह जनरल ईयर, इसमें कहा, लेकिन इसमें जनरल ईयर कैसे, जैसे देखिए 2016 2015, अब इसको 4 से भाग उधर लास्ट के दो डिजिट लेना, जैसे कि देखिए 16 में 4 से भाग दिए 16, पूरा लीप ईयर हो गया। अब 15 में 4 से भाग पूरा कटेगा नहीं, लीप ईयर नहीं है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में कहा नहीं गया लीप ईयर और जनरल ईयर, लेकिन आपको लेना है जनरल ईयर, जैसे कि 5% वार्षिक। अब देखिए आर बराबर 5%, उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया साधारण ब्याज दर से 1 रुपया प्रतिदिन ब्याज, 1 रुपया प्रतिदिन। अब देखिए वर्ष के जो कितना हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा, 1 वर्ष 1 रुपया प्रतिदिन, तो 1 साल में हो जाएगा 365 दिन हो जाएगा। दिन क्या क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज SI हो जाएगा कितना 365, और लीप ईयर रहता अगर क्वेश्चन बोला जाए तो 366 हो जाता, लेकिन इसमें 1 रुपया प्रतिदिन, 1 वर्ष में हो जाएगा 365 दिन, कितना, तो 1 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या, इसमें मूलधन हमको पूछा गया। अब देखिए मूलधन SI बराबर दो टाइप से क्वेश्चन को बताएंगे, जैसे देखिए मूलधन गुने आर गुने वर्ष T/100, SI कितना 365, मूलधन पता नहीं है, आर कितना 5%, वर्ष कितना 1 वर्ष, 100 को 365 से गुना करिएगा, 100 को 365 से, तो बचेगा P गुने R, तो P गुने R 100 को 365 से गुना, उसका पी, उसके बाद हो जाएगा मूलधन बराबर P = 365 × 100/5, 5 × 10 कितना 20, 20 को 365 से गुना करिए, 20 को 365 से, 365 को 20 से, 0 0 0, 2 * 5 = 10, 12 * 13 = 6 + 7, तो 7300 इसका आंसर निकल कर चल, 7300 रुपया ये मूलधन हो गया, मूलधन कितना 7300 निकल गया, यही आंसर आपको निकल कर चला। अब देखिए दूसरा टाइप से क्वेश्चन, जैसे कि SI बराबर R गुने T, SI कितना है 365 बराबर R कितना है 5%, वर्ष कितना है 1 वर्ष, तो 365 = 5%, क्योंकि 5% 1 वर्ष से गुना करेगा 5%, तो 5% बराबर 365, 1 बराबर 365 / 5 गुने 100, 5 * 2 = 10, 20, 20 को 365 से गुना करेगा 7300 रुपया आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सा क्वेश्चन करा चुके हैं, इसलिए आप लोग जाइए शुरू से क्वेश्चन को, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिए,
शुरू से लेकर क्वेश्चन देखें, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो समझ में आएगा। हर टाइप का क्वेश्चन, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन, एक रूल बाय रूल क्वेश्चन बता चुके हैं। क्वेश्चन देखिए, 400 रुपया प्रति वर्ष डैश सरल ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 रुपया हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में मूलधन, मूलधन कितना 400 रुपया, उसके बाद कहा गया वर्ष कितना, वर्ष दिया हुआ है, वर्ष कितना 5 वर्ष, 5 वर्ष, उसके बाद क्वेश्चन में 520 रुपया होता है इंटरेस्ट, मिश्र धन, मिश्र धन 520, कितना 520 रुपया। अब देखिए तो होता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इसमें निकलेगा इंटरेस्ट बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। अब इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना 520, अब मूलधन 4400, निकल गया कितना 120, 120 रुपया हमको, 120 हमको क्या निकला है, ब्याज निकला, इंटरेस्ट के मतलब हुआ ब्याज, ब्याज कितना निकला 120 रुपया। अब 120 रुपया ब्याज निकला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को आप प्रतिशत में चेंज कीजिए, प्रतिशत क्योंकि वर्ष पूछा, इसमें क्या पूछा गया प्रति दर पूछा गया, आर पूछा गया, दर हमको पूछा। अब देखिए 120 को प्रतिशत में चेंज कीजिए, अब देखो प्रतिशत चेंज करने के लिए आर बराबर प्रतिशत में चेंज कर इंटरेस्ट बटा मूलधन, इंटरेस्ट कितना निकला 120, अब मूलधन कितना है 400, अब प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना करेंगे, 0 0 खत्म, 4 3 12 0, कितना 30%, क्योंकि प्रतिशत में इसको लिए प्रतिशत में निकाले, अब 30% को क्या निकला प्रतिशत में हम निकालें, 120 को, 120 जो हमको इंटरेस्ट निकला प्रतिशत में नहीं है, इसको प्रतिशत में निकालें। अब आर हम निकालेंगे तो टी से भाग देंगे समय से, वर्ष से भाग देंगे समय से, अगर हम टाइम समय निकालेंगे तो आर से भाग, दर से भाग देंगे, इसमें क्या आर निकालना, दर निकालना है। अब दर निकालना है तो कहना कितना 30%, 30% कितना वर्ष है 5 वर्ष, 5 से गुना किए 6 5 30, 6% आंसर निकल कर चला, कितना दर इसका कितना निकला 6% का आंसर निकल कर चलाया है। इस टाइप क्वेश्चन को प्रतिवर्ष डैश सरल ब्याज की दर से, इसका ब्याज हमको दर पूछा गया, दर कितना, पहले हम प्रतिशत चेंज किया, दर हमको निकल कर चलाया।